माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये आदेश था कि अब्बास अंसारी को अपने पिता के आज 10वें के फातिहे में सम्मिलित होने के लिए उसका व्यवस्था किया जाए। उस क्रम में आए थे और फातिहा हुआ, अब मजार पर आए, फूल की चादर चढ़ाए, मिट्टी डाले और रुख्सत हो गए गाजीपुर जेल के लिए। क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद साहब जब आए थे पुलिस अधीक्षक महोदय के एक पत्र को लेके, तो हमने उनको बता दिया था कि 11 तारीख को नमाज जो होगी ईद की, तो वो तो क्योंकि वो कारागार में है, उचित होगा कि वहीं पे उनकी उनको नमाज पढ़ा दी जाए, क्योंकि यहाँ ला के फिर ईदगाह में नमाज पढ़ाना व्यवधान बहुत होगा, हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वहां नमाज पढ़ा लीजिए। नमाज पढ़ने के बाद फिर जब आप उचित समझिएगा लेके परिवार में आइएगा। कल साल भर का वो त्योहार है और पहली ऐसी ईद है जब मुख्तार अंसारी दुनिया में नहीं है, तो उस परिवार में उस गम के माहौल में जो लोग आएंगे शिरकत करेंगे उनके लिए पुरसा देंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कल तो कोई रोजा है नहीं कि शाम तक मगरिब के बाद ही रोजा खोलेगा आदमी और तब आके फातिहा पढ़ेगा, ऐसी तो कुछ नहीं रहेगी। और दिन ही दिन में और परसों उनको दफन हुए 13 दिन पूरा हो जा रहा है। 30 तारीख को मुख्तार को कब्र में दफन किया गया था, तो 13वें दिन उनकी मगफरत के लिए दुआएं खास होती है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। और रात का वक्त तो जेल में ही, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, हम लोग कोशिश में हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है और हमारे वकील ने अपनी पूरी बात रख दी है और राज्य सरकार की ओर से जो उनके वकील हैं उन्होंने भी अपनी पूरी बात कर दी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस आदेश के क्रम में इन 3 दिनों के लिए अब्बास को अपने परिजनों से मिलने का, पहले दिन तो फातिहे में सम्मिलित होने का, बाकी दोनों दिनों में एक दिन ईद की तकरीब और तीजे की जो 13वें दिन का तीजा है उसकी तकरीब, उसमें उनको शिरकत करने के लिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अगर किसी तरह से तोड़ने मरोड़ने समझने समझाने में कुछ तो अधिकारी गण खुद कुछ समझ लेते हैं, कुछ आप लोग समझा देते हैं, जितना अच्छा वकील नहीं समझेगा कोर्ट का आदेश उतना अच्छा तो कई पत्रकार बंधु ही समझ ले रहे हैं, तो उसको समझाइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका न दिया जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है उसका अक्षरशः पालन किया जाए, और यदि उसको ट्विस्ट करने तोड़ने मरोड़ने और किसी और तरह से घुमाने की कोशिश की गई तो हम आपसे क्या कहें, हमें जो कहना होगा हम सर्वोच्च न्यायालय में कहेंगे। आपने कहा था कि अब्बास अंसारी कोशिश करेंगे कि जमानत पर रिहा हो जाए जल्दी, मैं आज भी कह रहा हूँ, आपको तारीख नहीं बताऊंगा कि आप पहले ही से वहां खड़े हो जाइए जाके कि होने न पाए जमानत, लेकिन उम्मीद करता हूं इसी अप्रैल में ही। कोई मुकदमा नहीं है, एक मुकदमा है गाजीपुर से एक सज्जन ने, पहले कभी उन्होंने हमसे हमारी जमीन या हमारी प्रॉपर्टी हमें दबाव में लेकर के लिखवा लिया था, तो उसमें बाकी अक्यूज की बेल हो गई है, उनकी भी बेल हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हम उम्मीद करते हैं हो जाएगी, कानून है ना। और दूसरा वो है जिसमें उनकी पत्नी मिलने गई थी तो बताया गया मुकदमा कायम करके कि मुलाकात के लिए जो प्रक्रिया परमिशन की होती है वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उनको भी बंद कर दिया, उस केस में इनको भी, उसमें भी सारे लोगों की बेल हो चुकी है, चाहे जेल अधिकारी रहे हों
चाहे उनकी पत्नी या उनका ड्राइवर या जो जो अकेली इनकी बची है, वो भी जिस दिन कोर्ट में नंबर पे आ जाएगी वो भी बेल होगी। अब एक केस बचता है सिर्फ, और वो है ईडी का। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के तौर तरीकों को कि बहुत लंबी अवधि तक किसी को आप जेल में नहीं रख सकते, उसके लिए आपको उस अपनी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। आपको पता ही होगा, आप लोग तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ईडी के जो मामलात हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के होते हैं, वो किसी के लिए सर्वाधिक सजा 7 साल की होती है, और 1.5 साल से तो वो जेल में है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कितने का केस आप अनुमान बताइए? 200-400, 700, 1000, 2000, 5000 करोड़ का नहीं है, 4 करोड़।